नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में दहेज के लिए 3 तलाक। हरियाणा के नूह में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। जब वह 1 लाख रुपए ना दे सकी तो उसे 3 बार तलाक कहकर निकाल दिया। इस बाबत पीड़ित परिवार ने थाने में केस दर्ज कराया है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। बिहार में 80 स्टूडेंट्स बेहोश हुए। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में गर्मी से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में भी पारा 48 डिग्री के पास है। गर्मी से बुधवार को 8 जिलों में 80 बच्चे बेहोश हो गए। राज्य में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट है। वहीं दिल्ली में पाइप से कार धोने वालों पर 2000 रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। पंजाबी गायक मूसेवाला की 2री बरसी आज राहुल घर पहुंचे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 2 साल हो गए हैं। आज उसकी 2री बरसी है। इस मौके पर मूसेवाला का परिवार और चाहने वाले उसे याद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज बलकौर सिंह से मिलने पहुंचे और बातचीत की। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। अब 2 जून को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। पंजाब आप विधायक को जमानत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गर्जन माजरा को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जसवंत सिंह ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जेल से अंतरिम रिहाई मांगी थी। वह 40 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में 6 महीने से हिरासत में है। केजरीवाल के पीए जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, गिरफ्तारी को अवैध बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है। इससे पहले 27 मई को दिल्ली के 30,000 कोर्ट विभव की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। विभव पर आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट का आरोप है। पुलिस ने विभव को 18 मई को सीएम हाउस से अरेस्ट किया था। पलवल में ग्राम सचिव को कट्टा दिखाया, जान से मारने की धमकी। हरियाणा के पलवल में ड्यूटी के दौरान ब्लॉक कार्यालय में ग्राम सचिव के साथ गाली गलौज कर सरकारी कागज फाड़ने और विरोध करने पर सचिव को कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। हथीन थाना पुलिस ने सचिव को शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अनंत राधिका की प्री वेडिंग शुरू। पालेर्मो में गेस्ट का वेलकम लंच, क्रूज पर होगी स्टारी नाइट। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी आज से शुरू हो गई। 4 दिन तक चलने वाले इस इवेंट की शुरुआत मेहमानों के वेलकम लंच के साथ हुई। लंच इटली के शहर पालेर्मो में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे यानी भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक चलेगा। लंच के बाद सभी मेहमान क्रूज पर सवार हो जाएंगे और शाम 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से क्रूज पर स्टारी नाइट सेलिब्रेट की जाएगी। हरियाणा में 10 साल की बच्ची से रेप। हरियाणा के पलवल में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने रेप किया है। बच्ची परिजनों को घर में बेहोश मिली थी। जब उसे अस्पताल ले गए और होश आया तो उसने बताया है कि पड़ोसी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया है। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। 1 जून को बांग्लादेश से वार्म अप मैच। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले टीम इंडिया ने न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 2 जून से वर्ल्ड कप शुरू होगा। टीम इंडिया 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड से होगा। वहीं भारत पाक मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा।